सेकंड के लिए सोचिए क्रिकेट मैच हो रहा है बड़ा सनसनी खेज लास्ट ओवर शुरू होने वाला है और एकदम टीवी चैनल ब्रेक कर देता है और दरम्यान में एडवर्टाइजमेंट शुरू कर देता है एज ए व्यूअर हमें वो कितना बुरा लगता है क्योंकि हम उस टाइम जिस फ्रेम ऑफ माइंड में बैठे होते हैं वो फ्रेम ऑफ माइंड होता है मैच को इंजॉय करने वाला एक्साइटमेंट होती है हमने देखना होता है कि ओवर शुरू होने से पहले कैप्टन अपने बॉलर से या बैट्समैन से क्या बात कर रहा है उसका एक अपना मज़ा है एज ए व्यूअर लेकिन वो सारे का सारा मज़ा करकरा हो जाता है जब टी के ऊपर चलने वाली एड्स दरमियान में शुरू हो जाती हैं और वो ख़त्म कब होती हैं जब बॉलर बॉल फेंकने वाला है दोस्तों हमने पहले डिस्प्ले एड्स के बारे में देखा उसको समझा और फोटोशॉप के ऊपर आपने उसको बनाना भी सीखा अब बात आती है वीडियो एड्स की लेकिन ये वीडियो एड्स टीवी वाली वीडियो एड्स नहीं है ये वीडियो एड्स वो एड्स हैं कि जिन्होंने टीवी के ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट को रिप्लेस कर दिया है और अब ऑनलाइन नेटवर्क और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ये एड्स आपके सामने शो होती हैं ज़्यादातर यूट्यूब चैनल पे दोस्तों इस सेशन के अंदर मैं ब्रीफली आपको बताऊंगा कि यूट्यूब के ऊपर एडवर्टाइजमेंट के लिए आप गूगल एडवर्ट्स यूज़ करते हैं लेकिन कौन से ऐसे एक्सेप्टेड फॉर्मेट्स और स्पेसिफिकेशन हैं कि जो आपको यूज़ करने होते हैं और जिनका आपको ख्याल रखना होता है लेकिन उससे पहले थोड़ा सा नज़र डालते हैं कि ये वीडियो एड्स इंपॉर्टेंट इतनी ज़्यादा क्यों होती जा रही हैं हमारी रोजमर्रा ज़िंदगी के अंदर सबसे पहली रीज़न ये है कि तमाम टीवी का कंटेंट इज़ नाउ अवेलेबल ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के ऊपर पहले होता था कि आठ बजे हमारा फेवरेट ड्रामा आता था और हम सब घर वाले इकट्ठे बैठ के वो ड्रामा देखा करते थे और इन्जॉय किया करते थे फिर नौ बजे खबरें आया करती थी और नौ बजे खबरों को भी देखा करते थे अक्सर जो बच्चे होते थे वो कुछ और देखना चाहते थे जबकि दादा बू या दादी अम्मा जो हैं वो कहते थे कि नहीं हमने तो ख़बरें देखनी है नौ बजे और फिर घर में लड़ाइयाँ हुआ करती थी लेकिन अब वो तमाम की तमाम चीज़ें चेंज हो गई हैं टी का सारे का सारा कॉन्टेंट चूँकि इंटरनेट पर है तो अब एज ए व्यूअर आपके पास पावर है आपके पास चॉइस है और आप किसी भी टाइम न्यूज़ भी देख सकते हैं और ड्रामा जो है वो आठ बजे देखने की ज़रूरत नहीं बल्कि कई लोग तो मैं जानता हूँ जो वेट करते हैं कि ड्रामा ख़त्म हो हम खाना शाना खा के फारिग हों रात को जब बच्चे सो जाएं तो आराम से बैठ के यूट्यूब के ऊपर बैठ के ड्रामा देखें ना उसमें एड्स आएंगी और हम इंजॉय भी करेंगे ड्रामा ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू वॉचिंग ऑन द टेलीविज़न तो टी वी का कॉन्टेंट चूंकि अब अपेयर हो रहा है इंटरनेट पर और यूट्यूब के ऊपर जिसकी वजह से यूट्यूब के ऊपर एडवर्टाइज़मेंट की इम्पोर्टेंस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है अगर व्यूअर होशियार हो रहे हैं तो एडवर्टाइज़र यानी इश्तहार देने वाली कंपनियाँ भी होशियार हो रही हैं उनको भी पता है कि अब टी के ऊपर इश्तेहार देखने वालों की तादाद कम हो रही है वो यूट्यूब पर शिफ्ट हो रहे हैं तो आओ यूट्यूब की तरफ चलो और जाके लोगों को और व्यूअर्स को एडवर्टाइज़मेंट दिखाओ यानी इश्तहार दिखाओ यूट्यूब को यूज़ करके और यहाँ रोल आता है वीडियो एड्स का क्योंकि यूट्यूब के ऊपर तमाम चलने वाली एडवर्टाइजमेंट्स को हम वीडियो एडवर्टाइजमेंट्स या वीडियो एड्स कहते हैं अब वीडियो एड्स का जो सबसे बड़ा एक और फ़ायदा है वो ये है कि हाई कन्वर्जन रेट की चांसेस सबसे ज़्यादा वीडियो एड्स में होते हैं उसकी वजह ये होती है कि आप ऑलरेडी एक ऐसी वीडियो देख रहे होते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है और उससे सिमिलर तरह का इश्तहार आपके सामने उस वीडियो के दरमियान या राइट या लेफ़्ट के ऊपर प्ले होना शुरू हो जाता है तो चांसेस ज़्यादा यही हैं कि व्यूअर जो है वो उस इश्तहार पे क्लिक करेगा या उस इश्तहार को देखेगा जिसकी वजह से कन्वर्जन रेट जो है वो वीडियो एड्स का बहुत बेहतर होता जा रहा है अब आइए थोड़ी सी जरा नज़र डालते हैं ऐड की रिक्वायरमेंट्स पर यह रिक्वायरमेंट्स हैं कि जो आपने जहन में रखनी है जब नेक्स्ट टाइम आपने गूगल एडवर्ड्स को यूज़ करके वीडियो एड्स बनानी है सबसे पहले हम देखते हैं कि पहली और मेन रिक्वायरमेंट क्या है द फर्स्ट एंड द मेन रिक्वायरमेंट इज़ कि आपका फाइल का फॉर्मेट ठीक होना चाहिए लेकिन इस फाइल फॉर्मेट से पहले मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूंगा आपने ये जहन में रखना है कि गूगल एडवर्ड्स के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर चलने वाले तमाम वीडियो के इश्तहार जो हैं वो यूट्यूब के नेटवर्क के ऊपर अपलोड होने चाहिए दो फर्स्ट स्टेप हैज टू बी कि आपकी वीडियो यूट्यूब के नेटवर्क पे अपलोडेड है अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि उसका फाइल फॉर्मेट क्या है हमारे पास डिफरेंट तरह के फाइल फॉर्मेट्स होते हैं काफ़ी टेक्निकल किस्म की टर्म्स आप इसमें सुनेंगे डॉट ए वी आई एम पैग एम पी फोर कई या विंडोज़ मीडिया प्लेयर का भी फॉर्मेट होता है आ, क्विक टाइम फॉर्मेट होता है अगर आप Apple के लैपटॉप्स को यूज़ कर रहे हैं आ, ये सारी टेक्निकल चीज़ें ट्रेडिशनली हमें पहले फॉर्मेट सेलेक्ट करने होते थे जब हम पहले वीडियोस बनाते थे अब यह कि जब आप वीडियोस बना रहे होते हैं तो ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर आउटपुट देता है आपको वीडियो के फॉर्मेट की वो एक्सेप्टेबल फॉर्मेट होता है जिसको आप एज ए वीडियो एड यूज़ कर सकते हैं लेकिन फिर भी ये तमाम के तमाम फॉर्मेट्स को आप जहन में रखें ताकि आगे जाके कभी अगर आपको जरूरत पड़े तो आप इसको इस्तेमाल कर सकें दूसरी रिक्वायरमेंट है रेजोलूशन की रेजोलूशन जो गूगल रिकमेंड करता है वो है सिक्स फोर्टी जो है सिक्सटीन बाई नाइन एस्पेक्ट रेशो की सिक्सटीन बाई नाइन एस्पेक्ट रेशो क्या है आपको अगर एक पहले का मेरा सेशन याद हो तो उसमें मैंने आपको एक दफ़ा बताया था कि पुराने जो हमारे लैपटॉप या मॉनिटर की स्क्रीन हुआ करती थी वो डब्बे की तरह की होती थी स्क्वेयर किस्म के होते थे लैपटॉप्स की स्क्रीन्स और डेस्कटॉप की स्क्रीन अब किस तरह की लैपटॉप की स्क्रीन्स आ रही हैं रेक्टेंगल हैं यानी कि उनकी विथ्थ ज़्यादा है हाइट कम है इस तरह की सिक्सटीन बाई नाइन एस्पेक्ट रेशो यूज़ होती है रेक्टेंगल ओरिएंटेड स्क्रीनस के लिए जो ज़्यादातर अब फॉर्मेट्स uh, जो हैं और लैपटॉप्स और डिजिटल मीडिया को यूज़ करने वाले इक्विपमेंट्स हैं उनकी स्क्रीन सिक्सटी बाई नाइन एस्पेक्ट रेशो को फॉलो करती हैं लेकिन अगर सिक्सटीन बाई नाइन एस्पेक्ट रेशो आपने नहीं रखना तो फिर द नेक्स्ट रेशो जो स्क्वेयर की फॉर्म में होता है उसको हम कहते हैं फोर बाय थ्री एस्पेक्ट रेशो उसके अंदर जो हमारी रेजोल्यूशन है उसके ऊपर थोड़ा सा नज़र डालते हैं ये रेजोल्यूशन है फोर एटी बाय थ्री सिक्सटी जो गूगल रिकमेंड करता है दोनों रेजोलूशन को जैन में रखें इसको आपने याद रखना है एक अच्छा वीडियो एड बनाने वाला डिजिटल मार्केटर जो है वो हमेशा रेकमेंडेड वीडियो साइजेस को रेकमेंडेड साइजेस को यूज़ करता है उसकी वजह यह है कि गूगल ने आपकी एड्स चलानी है मिलियंस ऑफ लोगों के सामने तो अगर आप गूगल की बात मानेंगे तो चांसेस यही हैं कि आपकी एड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी क्यों क्योंकि आप गूगल की हुई गाइडलाइंस को यूज़ कर रहे हैं और इस्तेमाल करते हुए ऐप एड्स बना रहे हैं इससे आगे चलें तो फ्रेम रेट की बात करता है गूगल जो है थर्टी एफ़ पी एस एफ पी एस स्टैंड फॉर फ्रेम पर, पर सेकेंड बस आप इतना याद रखें कि तीस फ्रेम पर सेकेंड के ऊपर वीडियो बनेगी अब ये टेक्निकल टर्म है जो वीडियो बनाने वाले तो जानते हैं लेकिन मेरी और आपकी तरह के जो लोग हैं जब आप आउटपुट करेंगे अपनी वीडियो को जिस सॉफ्टवेयर पे भी आपने बनाई है तो उसमें अगर फ्रेम पर सेकंड की ऑप्शन सेलेक्ट करने वाली हुई तो आप देख लीजिए कि क्या वहाँ 30 एफपीएस सिलेक्टेड है अगर नहीं सिलेक्टेड तो उसको सिलेक्ट कर लें एंड दैट विल सर्व योर पर्पस अगली रिक्वायरमेंट है एस्पेक्ट रेशो की जो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ फोर बाई थ्री या सिक्सटीन बाई नाइन ये आपकी वीडियो जो है वो आप जब बनाएंगे तो आप इसको डिसाइड कर लेंगे मैक्सिमम फाइल साइज जो है वो आपका एक जी बी होना चाहिए कभी कभार गूगल दो जी बी भी अलाउड कर देता है लेकिन आप जहन में रखें कि एक जी बी या वन गेगा बाइट के अंडर अंडर आपकी वीडियो की प्रोडक्शन होनी चाहिए इससे ज्यादा कभी भी जाना नहीं चाहिए और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट क्लिक थ्रू कि जो थर्ड पार्टी एक्सेस होता है वो हमेशा आपकी एड या वीडियो के अंदर उसका एक्सेस आपने देना है क्योंकि गूगल ज़्यादातर इश्तेहार दूसरी कंपनीज के चला रहा होगा तो क्लिक थ्रू का एक्सेस जो है वो आपको देना पड़ेगा ये जब हम गूगल एडवर्ड्स सीखेंगे आगे जाके तो उसके अंदर फिर मैं आपको डिटेल में बताऊँगा अब इसे आगे चल के देखते हैं और एसेट की रिक्वायरमेंट यानी कि एक ऐड आपने बना ली है तो टेक्निकल रिक्वायरमेंट आपने पहले देख ली लेकिन इससे अगली रिक्वायरमेंट है एसेट ओरिएंटेड रिक्वायरमेंट वो क्या चीज़ है आइए उस पर थोड़ा सा नजर डालते हैं सबसे पहले है हेडलाइन टेक्स्ट जो टेक्स्ट आपने उस वीडियो को देखना है वो बड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए और आपको पता हो कि ये डायरेक्टली मैच करता है इस वीडियो के सब्जेक्ट और कंटेंट के साथ दूसरे नंबर के ऊपर देखते हैं तो दूसरे नंबर में हमारे पास डिस्प्ले यू है ये वो वेबसाइट एड्रेस है कि जो आपकी वीडियो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर अपीयर हो रहा होगा कभी कभार आपका जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो आपकी वीडियो एड्स पर अपेयर नहीं हो रहा होता आप स्पेसिफिक साइनअप फॉर्म जो है उसको डेस्टिनेशन एड्रेस रखते हैं या वीडियो एक्चुअल जो चैनल होता है उसको डेस्टिनेशन रखते हैं लेकिन आपका जो डिस्प्ले यू होता है वो आपकी जेनेरिक कंपनी की वेबसाइट का यू होता है या वेबसाइट एड्रेस होता है तो डिस्प्ले यू आपने उसमें डालना है फिर डेस्टिनेशन यू आपने देखना है कि डेस्टिनेशन वेबसाइट कौन सी होगी जब वो बंदा या यूजर उस वीडियो ऐड पे क्लिक करेगा तो वो कहाँ लेके जाएगी वो आपने उसके अंदर एंटर करनी है तो तीन चीज़ें हो गई हेडलाइन टेक्स्ट डिस्प्ले यू और उसके बाद डेस्टिनेशन यू और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए वीडियो एड इज़ एक्चुअली ए थम्ब नेल जी हाँ थम्ब नेल से मुराद ये है कि जो वीडियो आप प्ले कर रहे हैं एज एन एड जो अपीयर हो रही है सर्च में रिज़ल्ट में हो रही है या राइट साइड पर डिस्प्ले रिजल्ट में हो रही है तो थम नेल हमेशा आपने वो सिलेक्ट करना है कि जिसको देख के यूजर अट्रैक्ट हो और आपकी वीडियो के ऊपर क्लिक करना पसंद करे अक्सर आप देखेंगे कि कई वीडियोस ऐसी होती हैं जिसमें कंटेंट कुछ और होता है लेकिन थम्पनेल कुछ और लगी होती है लेकिन वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लाने का तो दोस्तों इस सेशन के अंदर मैंने आपको एक्सेप्टेड फॉर्मेट्स और स्पेसिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा बताया और स्टार्ट के अंदर मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ वीडियो एड्स के बारे में भी थोड़ा सा जिक्र किया इस तमाम इन्फॉमेशन को जहन में रखें ये टेक्निकल है ज़्यादा मुश्किल नहीं और आगे जाके जब हम गूगल एडवर्ड्स को यूज़ करेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम यूज़ भी करेंगे और प्रैक्टिस में इसको अप्लाई भी करेंगे